खराब भी होगी। और भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बेफिक्र हो गाइस, कुछ ऐसा जुगाड़ इस मल्टीमीटर में करने वाले हैं, कभी भी लाइफ में आपको बैटरी डालने नहीं पड़ने वाली। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वो अच्छी जगह चले गाइस, चलते हैं अपने टॉय पर, जाओ चलिए। समर एक्सपेरिमेंट, पता नहीं यार जब मुझे वापस लेकर आना था तो मैं लेके क्यों गया। खैर भैया इसे खोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर कहाँ चला गया? ओहो, ये रहा स्क्रू ड्राइवर, इससे खोलेंगे। खोलने से पहले यार आपको मैं दिखाता हूँ, भाई चल रहा है देखो, रनिंग कंडीशन में थोड़ा सी बात अलग है, अटक रहा है, इसे कंटेंट पर करते हैं, ठीक है चल रहा है। तो भैया मैं आपको जब फटाफट खोल के दिखाता हूँ, देखे भाई ये चल रहा है इस 9 वोल्ट की बैटरी पर। तो मैं इस कनेक्टर को निकाल देता हूँ, अभी नहीं चलेगा, हल्का फुल्का सा लोकल, मतलब लोकल को और ज्यादा लोकल दिल पे ये करे जा रहे हैं, छोटे पे छोटा करे जा रहे हैं। काफी लोग कहेंगे समर छोटा हो रहा है, भाई दिस इज टेक्नोलॉजी, घंटा टेक्नोलॉजी, पैसे तो पूरे ले रहे हैं, जो बात है बड़ा बड़ा जुगाड़ पात है। तो भाई मैं आपके लिए कमाल की चीज लेकर आऊं, देखिए आप फील कीजिएगा, माइक नहीं लग रहा है, चलो यार दिखाई देता हूँ। ये भैया सिरिंज, बच्चे बहुत डरते हैं इससे यकीनन। तो भाई मैं कुछ सिरिंज लेकर आऊँ आपके लिए, और ताकत देख रहे हो, एक तो भाई ये 5 ml की होगी, तो भाई ये होगी 3 ml की, हम दोनों को देखते हैं कौन से लें। वैसे भाई इससे बड़ी भी आती है और इससे छोटी भी आती है, तो भाई फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 ml वाली सिरिंज, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सी लेनी है। अब गाइस मैंने यहाँ पे 2 PVC के छल्ले कट कर लिए हैं वाशर टाइप, और भाई ये वाशर देखिए इसके अंदर जो सिरिंज है अंदर बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और भैया इसे निकाल देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इन्हें फटाफट भाई चिपकाते हैं। अप्रोक्स 1 inch का मैंने गैप रखा है दोनों के बीच में। तो गाइस अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 32SWG का वायर जो कि कॉपर का है, और गाइस मैं आपको बैठा हुआ नहीं लग रहा। वैसे गाइस मैंने कुर्सी लगा ली है, थोड़ी ऊपर कर लिए कुर्सी। यू वेर चालाक ब्रो। तो भैया फटाफट इसे लपेटना शुरू करते हैं। तो भाई देखते हैं अगर ये इस जुगाड़ से लग जाए तो पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ, है ना। पहले हम क्या करते हैं ड्रिल मशीन में लगाते हैं, देखते हैं भाई फास्ट हो जाएगा हमारा काम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं ऐसे। वो तो रहा भाई, चलो बोलिया करूँ। हाँ तो भाई बहुत हो गए, रावण से मैं निकाल लेता हूँ, भाई मजा आएगा जो बातें ऐसे करने में, थोड़ा टाइम बच गया हमारा। और भाई जो हमारा वायर है वो लूज ना हो तो इस पर मैं पेपर टेप यानी कि मास्किंग टेप लगा रहा हूँ, आप कोई भी टेप लगा सकते हो। और भाई मैं लगभग अंदाज से बता रहा हूँ 3000 टन इसमें लगाए हैं। तो भैया अब इसकी टेस्टिंग करते हैं हमारा ये कैसा काम कर रहा है। तो भाई मैं एक LED लूंगा और मैंने इनको छील लिया वायर को, है ना, उनकी जो कोटिंग है वो हटा ली है, कोई सवार भाई कहीं लगा दो और देखते हैं भाई कैसा काम करेगा। वैसे गाइस मैंने भी टेस्टिंग की नहीं है इसकी, साथ में करेंगे तो यार मजा भी आएगा। अब यहाँ पे लेंगे हम ये है मैग्नेट, कोई से भी ले सकते हो जो कि इस सिरिंज के अंदर इजी आ जाए। मैंने कहा था गाइस अगर आप बड़ी सिरिंज लोगे तो बड़ी मैग्नेट आपको लेनी पड़ेगी, 5 ml में ये मैग्नेट मस्त है, तो ये थोड़ा सा ठीक है देखा जाए तो, 3 मैग्नेट मस्त काम करेगी इस पे, एक ले लोगे नहीं काम करेगी। प्रैक्टिकल देख लेंगे यार कहां भागे जा रहे हैं, भी दो भी काम कर जाएंगे लेकिन 3 नहीं काम करेंगे, तो गाइस जो एक होगी ना वो भाई इसके अंदर घूमते रहेगी। तो पहले मैं आपको एक ही दिखाता हूँ, चालू कर दिए। तो गाइस हम जो ना फटाफट भैया टेस्ट करने से पहले लाइट बंद करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये रे भाई एक मैग्नेट हमने लाइट बंद कर दी है, मतलब पूरी तरीके से नहीं की है, आपको अच्छे दिख जाएगी LED। तो भाई देखिए कभी कभी जलेगी, देखिए नहीं जल रही, छोड़ो। और भैया अब लगाते हैं इसमें, 2 लगा दी, अब चलनी चाहिए बढ़िया, नहीं चल रही तो आपको जो ये मैग्नेट है ये पलटनी पड़ेगी, ठीक है भाई साहब मस्त। अभी हमें और तेज जलानी है तो हम भाई क्या करेंगे, इसमें 3 मैग्नेट लगा देंगे। मैंने बताया ना जितना इससे बाहर होना चाहिए जो कोयले जो हमने बने इससे बाहर मैग्नेट होनी इतनी, तो भाई 3 बिल्कुल परफेक्ट है, और भाई हमें मैग्नेट पलटनी पड़ेगी। ओ भाई साहब देख रहे हो, देखो देखो एक बार भी देखे रहा, देखे रहा कितने आज देखो जल्दी कितनी ब्राइट LED जल रही है भाई साहब। हमारी जो कोयल है वो काम कर, एक तरह का ये जनरेटर है, और गाइस ये EMF पर वर्क करता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करता है। गाइस यकीन मानिए मैंने इसकी पूरी पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई है, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो चैनल पर, मैंने बनाया पहले लेकिन गाइस ये मैंने अलग तरीके से बनाया है, उसमें गाइस इससे आधे से भी कम टन थे तब भी गाइस वो वर्क करा लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं करा। और भाई साहब अगर आपको पता है प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं ये कैसे काम करता है। जो बात है भैया अभी ये सिर्फ AC जनरेट कर रहा है, हमें इसे भी DC में कन्वर्ट करना,
पड़ेगा। अभी वीडियो है प्लीज दोस्तों बने रहे। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर IN4007 डायोड का यूज करेंगे। जो गाइस हम सिर्फ 4 डायोड ले रहे हैं। ब्रिज एक्टिवा बनाना बहुत इजी है। 2 डायोड के ब्लैक पार्ट मिला दो आपस में, जो कि ब्लैक पार्ट है, और 2 सिल्वर लाइन है वो मिला दो। बस भैया इन्हें आप ऐसे मिला दो चाहे ऐसे मिला दो, बस बन गया ब्रिज एक्टिवा। बच्चों का खेल है, बच्चे फिर भी इसे नहीं खेलते। तो भैया इसे लगाने से पहले हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। ये कटिंग करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ टिकली विकली लगाएंगे, बंद कर लेते हैं, टोटो में लगा पाती है। तो भाई इस पे मैंने ग्लू स्टिक भी लगा ली है ना, इससे भैया निकलेना, और ये मस्त काम करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। और भैया ये हमारा मल्टीमीटर, इसे भैया मैंने थोड़ा सा रब कर दिया है ना, तो ये यहाँ पर आराम से चिपक जाएगा इस जगह, यहाँ भी लगा सकते हो। चलो ये लगा लेते, काम मिलाना पड़ेगा भाई, मजबूत करके चिपकाना अच्छे से। अच्छे से का मतलब भाई अच्छे से चिपकाना। अब गाइस हम यहाँ पर लेना कैपेसिटर। अब दिक्कत भाई ये है कि ये 4700 माइक्रोफैराड के, जब गाइस हमें कम से कम 10,000 का चाहिए, जो गाइस हमारे लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई उनसे लेकर आओ, तो लाने भी टाइम लगेगा। तो फिलहाल हम जो यूज कर रहे हैं 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड, या आप यूज कर सकते हो 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का। तो भाई हम यूज कर रहे हैं, आप कोई से यूज कर सकते हो, इसमें पावर रुकेगी लेकिन उसमें ज्यादा रुक जाएगी। और गाइस वैसे भी हर चीज मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट कराऊंगा, बकायदा, ऐसी बात नहीं है। ये हो गया कनेक्ट, अब भाई इसका निकला ये पॉजिटिव और ये लाइन वाला नेगेटिव। तो भाई सीधा यहीं से लगा लेते हैं, इसमें क्या लगा प्लग व्लग। इसे भाई अच्छे से ग्लू गन चिपका दो, जो भाई ये भाई भागे ना, और इसे तो हेट का देंगे। इसे भाई अच्छे चिपकाना, वरना ये निकल के भागे ये भी। गाइस इसमें भी काफी जगह है, तो आप इससे डबल 10,000 माइक्रोफैराड का लगाएं कैपेसिटर, वो थोड़ा बड़ा आता है तो इसमें आराम से आ जाएगा बैटरी की जगह। तो भाई अभी इसे करते हैं बंद, ठीक है। आप देख लो गाइस कुछ भी नहीं है, और वैसे यार मैं आपको बिल्कुल लाइव, ऐसी बात नहीं यार, कोई फेक वाली बात है नहीं। काम करेगा तो बताऊंगा, नहीं करेगा तो भी बताऊंगा। तो इसके भाई फटाफट पहले हम पैक कर लेते हैं, फिर अब आते हैं इसकी फटाफट टेस्टिंग पर। ये लग गया है, और भाई अभी इसे चला के देखते हैं। सिंपल सी बात है, चलेगा ही नहीं। अरे चला चला चला, देखो भाई, देखो देखो देख रहे हो, देखिए और थोड़े लगा देखो, नंबर आपको थोड़े से फेड से चमक रहे होंगे। देखिए गाइस काल हो गए, देखो आपका सामने को लाइव है ना, कोई फेक नहीं। देखिए थोड़ी देर में देखिए डाउन हो रहा, देखिए मैं थोड़ी देर फिला रहा हूँ, मैं फिला रहा हूँ, देखिए तो गाइस मैं तो थोड़ा हिला रहा हूँ इसमें। देखिए नंबर भले आ गए, देख रहे हो काल हो गए बिल्कुल, थोड़े में देखिए डाउन हो जाएंगे। तो गाइस मैं थोड़ा इसे कम हिला रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा हिलाऊंगा ना तो अच्छे से चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इससे, और कैपेसिटर इसे चला रहा है मल्टीमीटर को। देखिए अगर इसमें बैटरी लगी होती, देखिए मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा वीडियो में, ठीक है ना, थोड़ी बस वीडियो फास्ट कर दूंगा, इससे आपका टाइम खराब ना हो। देखिए देख रहे हो कोई कट नहीं है ना, और मैं फिर आपको चेक करा के देखूंगा एक बार, चलो तो बाद में टाइट कर लेंगे। देखिए चल ले रहा, ठीक है, देखिए आपका देखिए बड़े नंबर आ गए, देख रहे हो, छोड़ दूंगा। देखिए देखिए कितने देर रुक रहा आराम से, मैंने आपका थोड़ा ज़्यादा हिलाया तो आराम से रुका ये, ठीक है ना। देखिए हमारा मल्टीमीटर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मस्त आपके सामने बिल्कुल लाइव, ठीक है। ये तो गाइस की बिल्कुल लाइव टेस्टिंग, मैंने कोई कट नहीं लगाया इसके अंदर, वही है बिल्कुल जो गाइस मैंने आपको दिखाया है। कैपेसिटर कोई बैटरी है, इधर से आप देख सकते हो कोई फेक नहीं है, अभी भी चल रहा है। हाँ तो गाइस हाथ पे दुख गए, और लगभग भाई 2 मिनट से मैं इसे हिला रहा हूँ, और देख लेते गाइस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये नेगेटिव यार, ये मीटर कभी कभी गड़बड़ करता है। देखिए 8.6 वोल्टेज दिखा रहा है, इसी की बैटरी है ये, और ये रही 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। और इसे भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ, यार दिखा रहा 12.34, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही वोल्टेज है। और देखा इतनी देर चल रहा है, कोई कट नहीं मार रहा मैं, ठीक है ना। और मैं आपको बिल्कुल यार मैंने खुल जा भाई, देखिए भाई, ठीक है ना, सिस्टम वही है। तो भाई कोई फेक वाली बात है नहीं यार, आपके सामने को लाइव, तो मैंने तो अच्छे से रिचार्ज करा है, देखिए अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम चलेगा, काफ़ी देर चल जाएगा, और कैपेसिटर थोड़ा बड़ा लगा दोगे तो और भी अच्छा चलेगा, ठीक है। देखिए चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आपके सामने टेस्ट करके दिखाया, अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा। बिना बैटरी का गाइस हमने चलाया है हाउ टर्न मल्टीमीटर विदाउट बैटरी, ये 9 वोल्ट बैटरी, थोड़ा कैपेसिटर बड़ा लगाइएगा, 100% वर्किंग है, कोई फेक नहीं है, आप खुद बना के देखिए तब हम उससे रहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और बस ऐसी धमाकेदार वीडियो पाने के लिए प्यार प्यार से कमेंट करते रहिए, और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। Yes, bye bye. I'm great, but I want to